सहयोग की बात भी हो रही है, कोई इनपुट आप इसको लेकर? इन सारी चीज़ों को लेकर के अभी उस प्रोसेस में हम आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि चुनाव का परिणाम आने के बाद जब गवर्नमेंट की इफेक्टिव वर्किंग शुरू होगी तो उसके बाद उन चीज़ों के प्लान को डिस्कस कर पाएंगे। थैंक यू। प्लीज़ उस विजन में सफल हुए आपको? देखिए काफ़ी चीज़ें उसमें हमने शुरू की हैं, लेकिन अभी तक पूरी करनी बाकी कई जगह है। और उसमें सबसे बड़ी बात हमारे लिए कोविड का ये दौर आने की वजह से जो हमको एक प्रभावी काम करने का समय मिलना चाहिए था, इफेक्टिव वर्किंग पीरियड जो हमारे पास होना चाहिए था वो हमारे से हमें नहीं मिल पाया, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो बेस्ट पॉसिबल जो किया जा सकते थे वो किया है। और आज की तारीख में इस बात को मैं कह सकता हूँ कि डेवलपमेंट के किसी भी सेक्टर को चुनिए, एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स का, वाटर सप्लाई का, हर सेक्टर में आगे हैं। वाटर सप्लाई में हम हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में जो है वो अब हर घर नल देने में जो है पहले नंबर पर हैं। रोड कनेक्टिविटी में हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतरीन काम किया है। PMGSY में पूरे देश भर में हिमाचल पहले नंबर पर आया है। तो ऐसे में दूसरे जो लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ, हाँ उनके काम में कोई कमी रही होगी तो बात अलग है, उनका काम करने का तरीका भी और है। उसके लिए हम पढ़ा, उसके लिए प्लान करेंगे। विपक्ष का तो ऐसा है कि जो चीज़ें उन्हें कहीं व्यवहारिक नहीं है ना हो पाएंगी ना उन्हें वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कही हैं, और उसके बाद आगे आने वाले समय में जो चीज़ें हमने कही हैं हमने फेस मैनर में उनको विचार करेंगे। G20 नाम उनके फेवर में आएंगे? देखिए जितने भी एग्जिट पोल जितने भी आए हैं उनके फेवर में तो कोई था ही नहीं। एक में ही कहा है कि भाई ये हो सकता है ये थोड़ा सा, और बाकी मेजॉरिटी चैनल ने तो मेजॉरिटी एजेंसीज के माध्यम से तो यही है कि भाजपा सरकार बना रही है, और मुझे उस पर कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी। उन्हें मानना है तो माने, ना मानना है तो ना माने, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सर्वेक्षण में भी यही, आकलन में भी यही, और मुझे पूरा भरोसा है कि इसी दिशा में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री शाम से सब लोगों ने देखे भी हैं और चर्चा भी उन पर हो रही है। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाह रहा हूं कि एग्जिट पोल में अधिकांश चैनल या एजेंसीज के माध्यम से जो सर्वेक्षण आए उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे दिखी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में फिर बन रही है, इस तरह की संभावनाओं पर उनने अपनी बात कही है, वोट शेयर के भी और उसके साथ सीटों के मामले में भी। एक आधे चैनल में क्लोज बताया है, कठिन है, यानी कि बराबरी की टक्कर है, तो टक्कर तो हिमाचल प्रदेश में हमेशा ही होती रही है, और टक्कर के बिना चुनाव भी क्या है। मेरा मानना यह है कि, और ऐसे में मेरा ये असेसमेंट है कि हमारा इंटरनल असेसमेंट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अभी तक जो है वो इतना वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी होगी सर्वेक्षण में, हमारा नंबर इससे ज़्यादा बढ़ेगा जो एग्जिट पोल में आया है। देखिए वो गांव तक पहुंचा है, लोगों को बात तो जची है, लेकिन बात ठीक है कि इस तरह का पहली बार प्रयास हुआ है गंभीरता के साथ, जोर के साथ, जो आज से पहले कम हुआ है, लेकिन अब की बार प्रयास हुआ है और निश्चित रूप से उसका परिणाम होगा, मुझे पूरा भरोसा है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लंबा अनुभव आपका रहा है, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, हिमाचल प्रदेश में ऐसी क्या ऐसी बातें हैं, चीज़ें हैं, काम है जो लगता है कि अगले 5 साल में आपको, 5 साल के मुख्यमंत्री आगे हिमाचल प्रदेश के लिए करना चाहिए? देखिए बहुत सारी चीज़ें हिमाचल प्रदेश में हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर कुछ नए इनिशिएटिव लेने की जो ज़रूरत है उसके लिए हमको काम करने की आवश्यकता है। हिमाचल को पहाड़ी राज्य होने के कारण जो है जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो सबसे बड़ा काम हमारे साथ हमारे सामने है वो कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी कैसे इम्प्रूव होगी, बाई रोड, बाई रेलवे, बाई एयर, इस पर ज़्यादा फोकस होकर के काम करने की आवश्यकता है। गांव में रोड की कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक बढ़ी है, और अब की बार हिमाचल प्रदेश में इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हमने पिछली सरकारों का सबका रिकॉर्ड तोड़ा है। लगभग 5000 किलोमीटर सड़क जो है बना करके हिमाचल प्रदेश में हमने लोगों को समर्पित किए हैं, लेकिन क्वालिटी रोड्स ये एक रिक्वायरमेंट है। टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए अच्छी कनेक्टिविटी हो, उन सारी चीज़ों की जो ज़रूरत है ये मुझे लगता है कि, और उसके बाद फिर और इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत हिमाचल प्रदेश में है। जो हमने प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की हमने बात की थी, मुझे आज इस बात की खुशी है कि हम उसमें आगे बढ़े हैं। हमको हिमाचल प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क मिला, हमको हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा पार्क मिला। ये ऐसे नहीं है कि भी बैठे बैठे ये सारी चीज़ें हुई है, इसके लिए एफर्ट्स हुए हैं, और हिमाचल प्रदेश में एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट आया है।
और इसके अलावा और भी हमको आने वाले समय में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में फोकस होकर के काम करने की जरूरत है। ये सारी बातें तब करेंगे जब परिणाम निकल जाएगा, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। सर आपने कहा